अब जोधपुर से जहां ओएलएक्स पर सामान बेचने के लिए विज्ञापन डालना एक महिला को भारी पड़ गया और उसके खाते से 79,000 रुपए पार हो गए। राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि विनायक विहार निवासी एक महिला ने अपने घरेलू सामान को बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला था और इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क साधा, साथ ही में क्यूआर कोड भेजकर स्कैन करने को कहा। जैसे ही महिला ने कोड स्कैन किया तो उनके खाते से 89,000 रुपए पार हो गए। दो दिन तक महिलाएं बैंक के चक्कर लगाती रही, उसके बाद मामला दर्ज कराया गया जिस पर जांच शुरू कर दी गई। कल दिनांक 7 सितंबर को शाम के वक्त प्रार्थिया रश्मि राय निवासी विनायक विहार ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पर पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 तारीख को उन्होंने ओएलएक्स पर अपना कुछ घरेलू सामान बेचने के लिए एक ऐड डाला था। उस ऐड के बिहाफ पे एक गंगा गोस्वामी नाम के व्यक्ति ने उनको इनसे फ़ोन से संपर्क किया और इनको एक क्यूआर कोड भेजा कि ये क्यूआर कोड मैं भेज रहा हूँ आपको, मैं 50,000 रुपये इससे भेज रहा हूँ सामान खरीदने के लिए, आप मुझे सामान डिलीवर कर दीजिएगा। इन्होंने जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन किया, स्कैन करते इनके खाते से अलग अलग 4 ट्रांजेक्शन के द्वारा 89,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए।